बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ, पाकिस्तान से लाइव हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, दोनों ही एक चीज़ है जी। सऊदी अरब था मैं, पाकिस्तान में हूँ। बहरहाल तो बात है जी, भाई ने अक्सर भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं, जो आपने भाई गोल्ड लिया उसके मुतलक या नगद रकम या कोई मोबाइल वगैरह के मुतलक एयरपोर्ट के ऊपर कुछ पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। बेसिकली तो चीज़ ये है जी, अगर आपको मोबाइल आपके पास है, महंगा मोबाइल है या गोल्ड है, कुछ आपने 20 ग्राम वाले दो बिस्कुट लिए हुए हैं या कुछ गोल्ड ऐसा लिया हुआ है 2-4-5 तोले, तो उसके मुतलक वहाँ पर पूछा जाता है। वहाँ पर फतूरा वगैरह उसका, जो आपको जिस शॉप वगैरह से आपने लिया है उसका फतूरा मांगा जाता है या नहीं मांगा जाता है। तो इसके मतलब मैंने बोला एक वीडियो ही बनाकर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कमेंट में क्या आपको जवाब दूंगा जी। तो बात यह है जी कि हम जब जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे हैं, मेरे पास खुद से गोल्ड था, दोस्त था साथ के, उसके पास भी गोल्ड था, और मेरे पास उस टाइम जब मैं जद्दा एयरपोर्ट ऊपर था तो 4 मोबाइल थे, एक लैपटॉप भी था और दोस्त के पास भी 2 मोबाइल थे। तो बात यह है जी कि किसी भी आप इमिग्रेशन वाले ने, या आप बोल रहे हैं कि किसी भी ऐसी आप बोल रहे हैं बैस वगैरह वाला कोई बंदा हो, ऐसा कोई भी बंदा हमें नहीं मिला जिसने हमसे ये कहा हो कि अपना पासपोर्ट चेक करवाएं, आपके पास मोबाइल कितने हैं, आपके पास नगद रकम कितनी है, आपके पास गोल्ड कितना है, ऐसा कोई बंदा नहीं हमें मिला है। जहाँ पर आपको बताइए, जहाँ पर इमिग्रेशन के बाद हम आगे जाते हैं, वहाँ पर आपकी तमाम, यानी कि आप बेल्ट भी, आप शूज़ भी, वॉच भी, अपना पर्स भी, और इसके अलावा जो भी कैब वगैरह जो भी आप उसके अंदर रखते हैं, सिंपल आप वो स्कैनर से गुजरते हैं। तो वहाँ पर मैंने भी सब कुछ निकाल कर रखा, तो वहाँ पर भी उन लोगों ने स्कैन किया और मुझे बोला कि अपना जो हैंड कैरी है उसमें आपके यानी कि कैंची हैं दो, वो निकालो। तो वो मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी था, मैंने फिर वो कैंची दो गलती से रख दी थी जी, हैंड कैरी की, एक छोटा सा हैंड कैरी उसके अंदर थी वो, तो वो मैंने निकाल कर उन लोगों ने फेंक दी। और उसके अलावा कोई गोल्ड भी हालांकि उसी में था, गोल्ड के मतलब नहीं पूछा। नकद रकम मेरे जाहरी से बात है जो भी थी मेरे पर्स में ही थी, वो भी नहीं पूछी। मोबाइल भी हैंड कैरी में ही थे, और जो मेरी पॉकेट में था एक, वो मैंने उसी के साथ रखा हुआ था बॉक्स के अंदर जो स्कैनर से गुजारते हैं। तो बहरहाल 4 मोबाइल गोल्ड था, और इसके अलावा नकद रकम भी थी। किसी ने नहीं पूछा जी, कोई किसी किस्म का मसला नहीं, आप लेकर जाएं, ना ही फतूरा। लेकिन फतूरा जो गोल्ड का था वो मैंने संभाल कर रखा हुआ था कि खुदा न ख्वास्ता कहीं को पूछ लेता है तो चलो उसको बंदा दिखा देता है। उसके अलावा दूसरी चीज, आप एयरपोर्ट से हम अगर लेकर आना चाहते हैं तो कितना, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा आप। इन लोगों ने थोड़ी सख्ती इस चीज़ के ऊपर की है, किस चीज़ के ऊपर, कि आप सऊदी अरबिया से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए जब आना चाहते हैं उस टाइम 60,000 रियाल के अराउंड में आपके पास कीमती सामान। अच्छा, अक्सर भाई यहाँ पर ये सोच लेते हैं कि भाई 60,000 रियाल की रकम हो नगद तो फिर, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास उसी 60,000 में मोबाइल होते हैं, गोल्ड होता है, या कोई भी ऐसे कीमती पत्थर होते हैं, या आप कुछ नगद रकम अपने पास रख, यानी कि तमाम तरह चीज़ों को मिलाकर देखा जाएगा। जब आपके पास महंगे मोबाइल हैं, गोल्ड आपने काफ़ी खरीदा हुआ है, नगद रकम आपके पास काफ़ी है, फिर आपको आपके ऊपर उनको शक होगा और आपको रोककर वो तमाम चीज़ें आपकी जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे कि भाई 60,000 रियाल की रकम के अराउंड में ये बंदा ले जा सकता, तो ये लेकर कितने का जा रखा है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी तमाम तरह परदेसी भाई जो आते हैं जी, वो आपको पता है जी, 2-4, 2-3-4 मोबाइल ले लिए, या एक आध 2 तोले गोल्ड ले लिया, या कुछ तरफ का रकम है पास, यही होती है हमारे पास, और क्या है। तो बहरहाल जो बिजनेसमैन है उनको पता, आपका उनका तो बिजनेस वीजा होता है, फिर उनको तो कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। तो एयरपोर्ट के ऊपर आप गोल्ड लेकर आएं, मोबाइल लेकर आएं, नगद रकम लेकर आएं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, कोई पूछ कुछ नहीं है। गोल्ड का फतूरा पास रख लीजिएगा, बाई चांस अगर कुछ भी लेता तो आप दिखा दें उसको, यही है जी सिंपल तरीका।